बाद जम्मू से पहली बार श्रद्धालु माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह जम्मू के नगरोटा से लगभग 8:30 बजे के करीब बसेस को रवाना किया गया, जहां डिवकॉम ने हरी झंडी दिखाई और 125 बसेस को रवाना किया गया। आपको बता दें कि 125 बसेस में लगभग 5,000 के करीब यानी कि सैकड़ों के करीब जो है श्रद्धालु माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो ऐसे कई सारे श्रद्धालु पाए गए जो कि 1990 के बाद उन्होंने कश्मीर घाटी में कदम तक नहीं रखा था। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह जो है, जोश जो है, खुशी जो है उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया, जम्मू से कश्मीर घाटी तक कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है और सुरक्षा के सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए और जिस तरीके से यात्रा जो है वो कल पहुंचेगी और 28 मई को या पूजा जो है पूजा अर्चना माता खीर भवानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की बात की तो कई सारे ऐसे श्रद्धालुओं ने ये भी कहा कि वो माता खीर भवानी के दर्शन करने के अलावा ऐसे कई सारे पवित्र स्थल पर भी जाएंगे जहां पर वो दर्शन भी करेंगे। ऐसे कई सारे श्रद्धालु जो है वो पाए गए जो कि 1990 के बाद कश्मीर घाटी में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था, जहां पर खुशी, जोश, उत्साह जो है वो उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था जो है वो देखने को मिली जम्मू से कश्मीर घाटी तक, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी देखने को मिली, सुरक्षा का पूरी तरीके से बंदोबस्त जो है वो किया गया। और जाते आते मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी, जोश, उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आया। कल श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ 28 मई को पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना है उनसे बातचीत करते हैं। इस बार जो है काफी चेंजेस आए हैं, खासकर जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है उन्होंने इसमें जो आज के डेट में जो है ना पर्सनली एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हर सवारी के लिए जो है इस समय गाड़ी अवेलेबल है। मतलब इसमें भी आप देख सकते हो कि 100 से ऊपर गाड़ियां हैं कि जो आज के डेट में मतलब जिस हिसाब से पहले हुआ करता था कि भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लोग जो है जबरदस्ती बसों में घुसते थे, लेकिन आज के डेट में जो है सब लोग जो है कंफर्टेबल अपने अपनी गाड़ियों में बैठे और बड़े अच्छे तरीके से जो है सिस्टम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो है कश्मीर से भी जो हम वापस आएंगे इसी पोजिशन में। सर, जब धारा 317 हट गया उसके बाद आज तक जो हम इंतज़ार थे हम माँ के शरणों में कब जाएंगे, चूँकि लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जा पाएंगे, लेकिन इस बार जो रिलीफ कमिश्नर साहब का जो इनिशिएटिव है, जिस हिसाब से उन्होंने अवेयरनेस किए लोगों में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो है काफ़ी अच्छा रहा अभी इस बार जो प्रोग्राम है। और लोग जो है इस समय मतलब जहां तक मुझे लगता है हमारे जगती से जो है कम से कम 7,000 लोग जो है इस समय कश्मीर के लिए जो है पलायन हो रहे हैं कि जो माता के दरबार में जा रहे हैं, उसमें जो है टिकर जा रहे हैं, तुलमुला जा रहे हैं, मंजगाम, अनंतनाग, कई जगहों पर जो है जा रहे हैं। तो मतलब अच्छे तरीके से मुझे लगता है इस बार जो है प्रोग्राम किया जो अप्रिशिएबल है। आज पिछले साल की नस्बत बहुत खुश हुए हैं कि एक दिन पहले ही यात्रा निकली और बड़े अच्छे अरेंजमेंट हो गए, कमिश्नर साहब ने किए हैं, सरकार ने किए हैं बच्चे अच्छे अरेंजमेंट। और इसमें एक बात है कि जो 27 तारीख को, अगर 28 को अष्टमी है तो 27 तारीख को यहाँ से यात्रा निकलती थी और वो खजल होते थे शाम को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे पहुँच कर वहाँ। और मैं कमिश्नर साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट करने के लिए कि एक दिन पहले ही इन्होंने यात्रा की, ताकि सब यात्रा जो कल दिन के लिए जो सप्तमी है, कल दिन पूरा हिसाब से बैठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और अष्टमी को दर्शन करेंगे। और ये मैं सारा रिलीफ कमिश्नर साहब सिदा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस अरेंजमेंट के लिए जो इस साल उन्होंने गाड़ियों का किया, बाकी जो यात्रियों की सहूलियत के लिए किया, और सुनने में आया जो उधर भी इन्होंने इंतज़ाम करवाया है बाथरूमों का वगैरह का और बैठने का, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ अपनी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के डिस्प्लेस्ड विंग से। देखिए इंतजाम आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलीफ कमिश्नर की तरफ से, यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ से जो भी तुलमुला माता के और कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर डिफरेंट जगह पर जो लोग जा रहे हैं
उनकी रास्ते में यहाँ से जाने के लिए बसों की व्यवस्था और वहाँ तुलमुला में भी की गई, और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड आज इन सबसे ज़्यादा 125 बसें यहाँ पे जा रही हैं, जिसमें 4,500 से 5,000 लोग इसमें जा रहे हैं। इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसके अलावा जम्मू से और कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो कि इस यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ जाके तुलमुला माता के दर्शन करेंगे, खीर भवानी के दर्शन करेंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश कश्मीर प्रगति करता रखे और शांति बनी रहे। मुझे कैमरा पर्सन शमी थापा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।